सो हेलो ऑल वेलकम बैक सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अप्लाइड मैथ्स क्लास ट्वेल्व यूनिट वन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स बहुत ईजी है इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास टेन में भी किए थे पर हम क्लास टेन में जो फार्मूलेज यूज़ कर रहे थे इस बार हमारे पास कुछ नए फार्मूलेज हम लोग जनरेट करेंगे पहले उन फॉर्मूलेज को डायरेक्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे <coughs> अगर हमको दिया हुआ एक्स इज़ द स्पीड ऑफ बोट बोट इन स्टिल वाटर मतलब स्टिल वाटर में बोट की स्पीड अगर हमको एक्स किलोमीटर पर आर दी हुई है, है ना और वाई इज द किलोमीटर पर आर इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये कितनी है वाई किलोमीटर पर आर तो एक्स किलोमीटर पर आर हमको ये दी हुई है आ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वाई किलोमीटर पर आर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है अगर हमको तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी यू वो कितना होगा अपस्ट्रीम नहीं ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी यू इज़ द स्पीड ऑफ इन डाउन स्ट्रीम स्पीड इन डाउन स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड ऐड हो जाती है तो मतलब कि एक्स प्लस वाई ये सब हमने टेंथ में पढ़ा हुआ है अभी हम लोग वही बात कर रहे हैं वी इज़ द स्पीड इन अपस्ट्रीम तो वो कितना हो गया x माइनस वाई अगर हमारे पास हम दो इक्वेशंस हैं हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया u, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया v, इन दोनों इक्वेशन्स को अगर हम सॉल्व करें x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी हो गया दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते टू एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है यू प्लस वी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है यू प्लस वी अपॉन टू एस इसको उठा के वाई किसी एक इक्वेशन एक में रख दो तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी? Y की आ जाएगी वाई की वैल्यू आ जाएगी यू माइनस वी अपॉन टू तो यहाँ से हमारे पास दो फार्मूले डिराइव हुए सबसे पहला फार्मूला x इज इक्वल टू स्पीड इन अपस्ट्रीम प्लस स्पीड इन डाउनस्ट्रीम स्पीड इन डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड इन अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय बाई टू ये तो हो गई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऐसी वाई इज इक्वल टू स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू ये हो गई स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो ये फार्मूला यहाँ से डिराइव हुआ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये सिंपल एलिमिनेशन मेथड था नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफ़ डिस्टेंस डी अगर कोई बोट है वो डी डिस्टेंस कवर कर रही है डाउन स्ट्रीम के अंदर टी वन आर्स में इफ डी किलोमीटर इज़ कवर्ड इन टी वन आर्स ये है डाउन स्ट्रीम के अंदर डाउन स्ट्रीम ऐसे ही ऐसे ही इफ़ सेम डी किलोमीटर इज कवर्ड इन टी टू आर्स ये है अपस्ट्रीम अब अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टाइम तो अलग अलग होगा क्योंकि अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगता है ट्रैवल करने में तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा तो टी टू की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी और टी वन की वैल्यू कम होगी तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा एक्स प्लस वाई ऐसे ही टी टू की वैल्यू कितनी होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना होगा एक्स माइनस वाई तो ये तो अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई दोनों का रेशो अगर हम लें टी वन अपॉन टी टू करें तो वो कितना आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यह आ गया दोनों का रेशो इसका मतलब क्या है कि टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम विल बी स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम ये एक्स माइनस वाई क्या है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है और एक्स प्लस वाई क्या है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है तो यहाँ से हम ये वाला फार्मूला डेराइव कर लिए दोनों के टाइम का रेशो कितना होगा दोनों की स्पीड का रेसिपोकल मतलब रेसिपोकल स्पीड का तो ये हो गया हमारा दोनों की स्पीड के रेशो का रेसिपोकल तो ये एक और फार्मूला यहाँ से डेराइव हुआ यहीं से एक और चीज़ समझते हैं इस फार्मूले से हम लोग ये एक चीज़ और पता कर सकते हैं जैसे हमारे पास एक मेथड एक होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो कि हम लोग न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देते हैं इसका मतलब इसका मतलब क्या है इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो इसका मतलब पहले वाले फार्मूले में इस वाले फार्मूले से हम लोग न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करें तो टी वन प्लस टी टू टी वन प्लस टी टू अपन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर टी वन माइनस टी टू तो ये इस जगह पे क्या हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मतलब एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी वन प्लस टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू वो कितना आ रहा है टू एक्स अपॉन माइनस टू वाई है ना एक्स से एक्स कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया माइनस साइन के लिए हमने क्या किया इधर साइन चेंज कर दी टू टी टू प्लस टी वन ले लिए अपॉन टी टू माइनस टी वन ले लिए एक माइनस को कॉमन ले लिए उससे वो माइनस कैंसिल हो गया वो कितना हो गया एक्स अपॉन वाई तो ये हमारे पास थर्ड फार्मूला आ गया कि टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अपॉन स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आ गया एक और फार्मूला नेक्स्ट एवरेज स्पीड का एक फार्मूला डिराइव करते हैं अब एवरेज स्पीड क्या होती है एवरेज स्पीड अब हमको पता है मान लिया टी वन कितना था हमारे पास डी अपॉन एक्स प्लस वाई ये था टी टू कितना था डी अपॉन एक्स माइनस वाई है ना तो टोटल तो डिस्टेंस कितनी होगी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जाके आने की तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डी प्लस डी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डी प्लस डी विच इज़ टू डी किलोमीटर है ना ऐसे ही टोटल टाइम कितना होगा टोटल टाइम विल बी टी वन प्लस टी टू आर्स ये टोटल टाइम हो गया है ना तो हमको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितनी है डी प्लस डी टोटल टाइम कितना है टी वन प्लस टी टू रख देते हैं वैल्यूज इसमें तो डी प्लस डी कितना हो गया टू डी अपॉन टी वन की वैल्यू डी अपॉन एक्स प्लस वाई टी टू की वैल्यू डी अपॉन एक्स माइनस वाई इसमें एलसीएम ले लिए तो ये कितना हो गया टू डी अपॉन डी को बाहर ले लिए एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है तो ये एलसीएम आ गया इसको सॉल्व करें डी से डी कैंसिल हो गया ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया वाई से वाई कैंसिल हो गया अच्छा ये एक्स माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा तो ये कितना हो गया यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या बन गया विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू एक्स तो ये इससे कैंसिल हो गया ये तो ये कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स तो ये फार्मूला आया हमारा एवरेज स्पीड का तो एवरेज स्पीड को हम क्या लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला एवरेज स्पीड का अब अगर हमको एक बोट है जो तो टी आर्स ले रही है टी आर्स ले रही है डी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में और वापस आने में मतलब अप स्ट्रीम जा रही है और फिर डाउन स्ट्रीम वापस आ रही है डी किलोमीटर इफ अ बोट टेक्स टी आर्स टू रोड टू सर्टिन प्लेस डी किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न बैक तो एवरेज स्पीड हमको दी हुई है कितनी एवरेज स्पीड मतलब टोटल टाइम हमने टी मान लिया तो एवरेज स्पीड कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स से तो ये कितना हो गया टू डी अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स तो यहाँ से डिस्टेंस की डी की वैल्यू कितनी होगी टी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस का फार्मूला तो डिस्टेंस अगर निकालनी तो है तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया टी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स अगर टोटल डिस्टेंस डी है तो ऐसे ही अगर बोर्ड को टी आरस लग रहे हैं टी आरस लग रहे हैं अपस्ट्रीम मतलब, में जाके आने में इफ अ बोट टेक्स टी आर मोर इन गोइंग अपस्ट्रीम स्ट्रीम दैन डाउन स्ट्रीम फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस मतलब अपस्ट्रीम में जाके आने में डाउन स्ट्रीम से टी आर ज़्यादा लग रहे हैं ये कंडीशन अगर है तो हमारे पास क्या है टी टू की वैल्यू डी अपॉन एक्स माइनस वाई टी वन की वैल्यू डी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी है एलसीय ले लिए डी को कॉमन ले लिए पहले एलसीएम आएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई तो ये कितना हो गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई एजीक्ल टू टी तो यहाँ से ये टी की वैल्यू एक्स x एक्स कैंसिल हो गया टू वाई डी ब्रैकेट टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एजीक्वल टू कित आ गया टी इसको यहीं पे सिंपलीफाई कर लेते तो डी की वैल्यू कितनी आ गई इस टाइम पे डी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई टी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई ये आ गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस किस केस में जब दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस टी आर्स का है जब दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस टी आर्स का है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई ऐसे ही हमको यहीं से डी अपॉन एक्स माइनस वाई डी अपॉन माइनस डी अपॉन एक्स प्लस वाई इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ये वाला मेथड आ गया ये फार्मूला डिराइव हो गया तो ये कुछ फार्मूले हैं जिसको हम लोग एक्सरसाइज़ में यूज़ करेंगे ताकि क्वेश्चन को हम ईजीली कर सकें तो फार्मूलेज को इधर लिख लेता हूँ एक पेज पर जो जो फार्मूला हमने डिराइव किया अब तक क्या क्या किया एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन टू ऐसे ही टाइम टाइम इन अपस्ट्रीम टाइम इन अपस्ट्रीम कितना है इसको टाइम इन अपस्ट्रीम, स्ट्रीम टाइम इन डाउनस्ट्रीम, वो कितना होगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ऐसी ही एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आई एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टी टू प्लस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन सिमिलरली एवरेज स्पीड इसका फार्मूला क्या आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ये सारे फॉर्मूला हमने डिराइव किए d डी इज इक्वल टू टी अच्छा ये इसको इस तरह से लिखो अगर हमको दिया हुआ है इफ टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू टोटल टाइम टी दिया हुआ है दिस एम्प्लाइज उस केस में डी की वैल्यू कितनी होगी टी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स ऐसे ही इफ़ टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन है तो उस केस में डी की वैल्यू कितनी होगी टी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई तो ये फॉर्मूले याद रखने इतने से फार्मूले हैं इनको याद रखना इसी पे बेस्ड पूरी एक्साइज है अब हम लोग एक्साइज के क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है एक्साइज वन पॉइंट फोर एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अ वोमेन अमेन कैन स्विम एट किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है एट किलोमीटर पर आर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज फोर किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाई वो कितना दिया हुआ है फोर किलोमीटर पर आवर हमको क्या फाइंड आउट करना है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द वेमेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ सिक्सटीन किलोमीटर अपस्ट्रीम तो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम कितना दिया हुआ है सिक्सटीन किलोमीटर अब हमको पता है टाइम इन अपस्ट्रीम कितना होता है डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अप स्ट्रीम तो टाइम निकालना है हमको डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम कितना है सिक्सटीन स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी होगी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई तो ये कितना हो गया सिक्सटीन अपॉन एट माइनस फोर सिक्सटीन अपॉन फोर तो हो गया फोर आवर्स तो हमारा आंसर आ गया फोर आवर्स तो एकदम ईजी क्वेश्चन था ये तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमको कह रहा है अ मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम सिक्स किलोमीटर पर आवर मतलब अप स्ट्रीम दे रखा है सिक्स किलोमीटर पर आवर है ना तो मतलब कि वी की वैल्यू कितनी है सिक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम तो यू की वैल्यू कितनी है टेन किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम टेन किलोमीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है इसमें तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितना होगा यू प्लस वी टू मतलब कि टेन प्लस सिक्स अपॉइन्ट टू सिक्सटीन टू कितना हो गया एट किलोमीटर पर आवर ऐसे ही y की वैल्यू कितनी होगी y इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन टू तो टेन माइनस सिक्स अपॉन टू फोर अपॉन टू टू तो ये तो हो गया टू किलोमीटर पर आवर सिंपल तो ये हो गया x और ये हो गया y ये तो ईजी सेम बहुत ईजी क्वेश्चन था थर्ड था। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमको कह रहा है इन टू आवर्स अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस इन अ रिवर इन डाउन स्ट्रीम एट सेवनटीन किलोमीटर पर आर एंड रिटर्न बैक नाइन किलोमीटर पर आर तो मतलब कि टाइम दिया हुआ है टोटल कितना दिया हुआ है टू आवर्स टू आवर्स में वो डाउन स्ट्रीम जाके और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाके अप स्ट्रीम में वापस आ रही है है ना तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हुई हमको कितनी सेवनटीन मतलब यू की वैल्यू कितनी है सेवनटीन किलोमीटर पर आवर और वी की वैल्यू कितनी दी हुई है एट किलोमीटर पर आर सॉरी नाइन किलोमीटर पर आर वी दिया हुआ है हमको नाइन किलोमीटर पर आर कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है स्पीड ऑफ़ स्ट्रीम तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो हमको डायरेक्ट पता है वाई इज़ इक्वल टू क्या होगा यू माइनस वी अपॉन टू तो ये टाइम तो हमको बस कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ था इसमें तो यू माइनस वी अपॉन टू वो कितना हो गया सेवेंटीन माइनस नाइन अपॉइंट टू तो एट अपॉइंट टू कितना हो गया फोर किलोमीटर पर आर तो एकदम इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना पड़ा हमको डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लगाने से आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है अ बोर्ड कवर्स फोर किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन वन आर अब देखो फोर किलोमीटर एक घंटे में कवर कर रहा है तो स्पीड कितनी हो गई अगेंस्ट द स्ट्रीम कह रहा है तो मतलब स्पीड इन अपस्ट्रीम कितनी हो गई फोर किलोमीटर पर आर एक घंटे के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है फोर किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम नेक्स्ट एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन फोर्टी मिनट्स सेम डिस्टेंस मतलब फोर किलोमीटर ही कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में फोर्टी मिनट्स के अंदर तो यू की वैल्यू कितनी हो गई u इज़ इक्वल टू फोर किलोमीटर अब फोर्टी मिनट्स कह रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं आर्स में तो फोर्टी अपॉन सिक्सटी हो गया है ना आर्स तो ये कितना हो गया फोर अपॉन फोर्टी मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी किलोमीटर पर आर तो ये कितना हो गया टेन सिक्स तो सिक्स किलोमीटर पर आर तो ये हो गई अपस्ट्रीम की स्पीड ये हो गई डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड ये डाउन स्ट्रीम की कितनी है फोर किलोमीटर पर आर और अपस्ट्रीम की कितनी है सिक्स किलोमीटर पर आर सॉरी डाउन स्ट्रीम की है सिक्स किलोमीटर पर आर और अपस्ट्रीम की है फोर किलोमीटर पर आर अपस्ट्रीम में स्पीड कम होगी अब हमको पूछ कर रहा है हाउ लॉन्ग इट विल विल इट टेक टू गो टेन किलोमीटर इन स्टिल वाटर मतलब दस किलोमीटर चलने में कितनी डिस् कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है स्टिल वाटर के अंदर तो पहले हमको स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी पड़ेगी स्टिल वाटर की स्पीड कितनी होगी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू तो सिक्स प्लस फोर अपॉन टू टेन अपॉन टू कितना हो गया फाइव किलोमीटर पर आर ये तो हो गए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अब हमको टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितनी है टेन स्पीड कितनी है फाइव तो ये कितना हो गया टू आवरस दो घंटे लगेंगे इसको टेन किलोमीटर स्टिल वाटर में कवर करने में एकदम ईजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अगेंस्ट टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब कि उसको अगेंस्ट जाने में ट्वाइस टाइम लगेगा डाउन मतलब अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो कितना होगा ट्वाइस ऑफ डाउन स्ट्रीम ये दिया हुआ है मैन टेक्स ट वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द देशो ऑफ द स्ट्रीम मतलब एक्स अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए हमको तो यहाँ से हमको पता है एक्स अपॉन वाई का एक फार्मूला हमने डिराइव किया था कंपोनेंटो डिविडेंडो से वो क्या था टी टू प्लस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इसमें रख देते हैं वैल्यू तो कितना हो रहा है टी uh, टू मतलब टू टी वन प्लस टी वन अपॉन टू टी वन माइनस टी वन थ्री टी वन अपॉन टी वन टी वन से टी वन कैंसिल रेशो कितना आ गया थ्री अपॉन वन तो रेशो का रिक्वायर्ड रेशो कितना आ रहा है थ्री रेशो वन ये हमारा आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है क्वेश्चन सिक्स हमको कह रहा है अ बोट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एस टू गो अप स्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट अब इसमें टी टू की वैल्यू सेम टी टू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है थ्री टी वन दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है आगे कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज फाइव किलोमीटर पर आवर वाई की वैल्यू दी हुई है फाइव किलोमीटर पर आवर हमको चाहिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर सेम फार्मूला लगाते हैं रेशो निकालते हैं सबसे पहले तो एक्स अपॉन वाई कितना हो गया टी टू प्लस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन तो ये कितना हो गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू अच्छा हम कह सकते हैं एक्स अपॉन फाइव वाई की वैल्यू फाइव दी गई टी टू की वैल्यू थ्री टी वन प्लस टी वन अपॉन थ्री टी वन माइनस टी वन तो ये कितना हो गया x अपॉन फाइव थ्री प्लस फोर टी वन हो गया डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय थ्री टू टी वन तो ये फोर टी वन से टी वन कैंसिल x अपॉन फाइव इज एकल टू टू हो गया x अपॉन फाइव इजकल टू टू तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई टेन किलोमीटर पर आर तो एकदम ईजी सा क्वेश्चन था सेम exactly सेम था पिछले वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन हमको कह रहा है अ बोट इज बोट मूविंग अपट्रीम 6 थर्टी सिक्स मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस वाइल इट टेक्स थ्री आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम मतलब टाइम इन स्ट्रीम हमको कितना दिया हुआ है सिक्स आवर्स थर्टी सिक्स मिनट्स इसका मतलब सिक्स थर्टी सिक्स अपॉन सिक्सटी आवर्स इसका मतलब सिक्स सिक्स अपॉन टेन आर्स इसका मतलब सिक्स थ्री अपॉन फाइव आर्स और वी कैन से सिक्स फाइव थर्टी थर्टी थ्री अपॉन फाइव आर्स ठीक है ऐसे ही टाइम इन डाउन स्ट्रीम थ्री आर्स दिया हुआ है टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज थ्री आर्स ठीक है हमको कह रहा है फाइंड द स्पीड रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द रेशियो ऑफ द स्ट्रीम वही एक्स अपॉन वाई निकालना है सेम तो निकाल देते हैं भाई एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला हमको पता है टी टू मा प्लस टी वन अपन टी टू अब देखो सेम फॉर्मूले से तीन चार क्वेश्चन बन गए तो ये थर्टी थ्री अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन थर्टी थ्री अपन फाइव माइनस थ्री एल्शियम ले लेते हैं थर्टी थ्री माइ प्लस फाइव थ्री फिफ्टीन अपॉन फाइव अपॉन थर्टी थ्री माइनस फिफ्टीन अपॉन फाइव फाइव से फाइव कैंसिल ये कितना हो गया फोर फोर्टी एट अपॉन फोटी सॉरी थर्टी थ्री माइनस फिफ्टीन कितना होगा गया एटीन तो ये कितना आ गया थर्टीन में से एट गए तो थर्टीन में से फाइव गए तो एट और टू में से वन गए तो एटीन तो ये कितना आ गया एट अपॉन थ्री सिक्स एट ज़ा फोर्टी एट सिक्स थ्री ज़ा एटीन तो एक्स अपॉन वाई कितना आ गया एट अपॉन थ्री ये हमारा आंसर हो गया सेवन क्वेश्चन का बहुत ईजी था क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन अ बोट टेक्स थ्री आवर्स टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक इन वन आवर फिफ्टीन मिनट्स ये सेम है एक्जैक्टली exactly सेम है सेवंथ क्वेश्चन की जैसे पहले हमको रेशो निकालना है और फिर वैल्यू रखनी है बाई की तो ये आराम से हम लोग कर सकते हैं खुद से है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है अपलोड करने में और इसका पी डी एफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे वहाँ से आप लोग लिंक ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लिख रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके टेलीग्राम चैनल से पी डी एफ ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ़ द सेम एक्सरसाइज आफ्टरवर्ड्स वील डू द नेक्स्ट टॉपिक थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो